नए कृषि कानूनों पर किसान संगठनों की बैठक आज। बैठक में तय करेंगे आंदोलन का रुख, सरकार के प्रस्ताव का जवाब कल। बिहार में मंत्रिमंडल विस्तार की अटकलें तेज, 22 मंत्री हो सकते हैं मंत्रिमंडल में शामिल, बीजेपी नेताओं ने दिल्ली में डाला डेरा। कांग्रेस में नया अध्यक्ष बनाने की कवायद तेज, सूत्रों के हवाले से खबर, राहुल तैयार नहीं हुए तो गहलोत के सिरताज पहनाने की कवायद। जेपी नड्डा 2 दिवसीय दौरे पर पहुंचेंगे लखनऊ, नड्डा यूपी मंत्रियों के साथ करेंगे बैठक, लेंगे जायजा, अरविंद शर्मा की यूपी में भूमिका का भी होगा फैसला। बंगाल चुनाव को लेकर सरगर्मियां तेज, बीजेपी ने ममता बनर्जी के सामने शुभेंदु अधिकारी को पुरानी सीट से उतारने का किया फैसला, चुनाव में नंदीग्राम होगी सबसे हॉट सीट। राम मंदिर निर्माण को लेकर आज होगी अहम बैठक, नींव के फाइनल डिजाइन पर आज लग सकती है मोहर, फरवरी के पहले हफ्ते से शुरू हो जाएगा काम। कर्नाटक में मंत्रिमंडल विस्तार के बाद बगावत का दौर जारी, आज नए मंत्रियों को विभागों का बंटवारा कर सकते हैं सीएम येदुरप्पा, 7 नए मंत्रियों ने ली थी शपथ। पुडुचेरी में सरकार और उपराज्यपाल में तकरार, एलजी किरण बेदी को हटाने की मांग को लेकर आज राष्ट्रपति से मिलेंगे पुडुचेरी के सीएम। दूसरे चरण में प्रधानमंत्री से लेकर मुख्यमंत्री तक को लगेगा कोरोना का टीका, अप्रैल तक पूरा होगा वैक्सीनेशन का पहला चरण, 16 जनवरी से शुरू हुआ था अभियान। सोनू सूद के अवैध निर्माण मामले पर आज फैसला सुनाएगा बॉम्बे हाईकोर्ट, बीएमसी ने अवैध निर्माण को लेकर अभिनेता को जारी किया है नोटिस। राष्ट्रपति बनते ही एक्शन में आए जो बाइडेन, 5 लाख भारतीयों को नागरिकता देने की शुरुआत की, बाइडेन ने कई नए फैसले किए। बाइडेन ने ट्रंप के कई फैसलों को पलटा, मुस्लिमों से बैन हटाया, महामारी की वजह से अमेरिका में मास्क अनिवार्य। अमेरिका के विदेश मंत्री नामित ब्लिंकेन ने चीन को बताया बड़ा खतरा, कहा वो वॉशिंगटन के साथ संघर्ष और टकराव टालने की कोशिश करेगा। सीरिया के पुनर्निर्माण में रचनात्मक और सार्थक भूमिका निभाने के लिए भारत तैयार, संयुक्त राष्ट्र में भारत के स्थायी प्रतिनिधि टीएस तिरुमूर्ति ने दिया बयान। स्पेन के मैड्रिड में एक इमारत में गैस रिसाव से विस्फोट, 4 लोगों की गई जान, विस्फोट में कम से कम 11 लोग घायल। घरेलू बाजार में 2 दिन लगातार बढ़ोतरी के बाद आज दूसरे दिन भी कीमतों में फेरबदल नहीं, पेट्रोल और डीजल हुए 25-25 पैसे महंगे। रेलवे के यात्रियों को सौगात, 1 फरवरी से चलेगी नई ट्रेन, स्पेशल रेलगाड़ी कानपुर सेंट्रल से प्रतापगढ़ के बीच चलेगी। प्रधानमंत्री जनधन खातों की संख्या 41 करोड़ के पार, 55% खाता धारक महिलाएं, मोदी सरकार ने 2014 में शुरू की थी योजना। फियो ने की अनुसंधान एवं विकास सेवाओं के निर्यात को प्रोत्साहन देने की सिफारिश, क्षेत्र में निर्यात के अवसर की विशाल संभावनाएं छुपी हैं। बीएसई सेंसेक्स पहली बार रिकॉर्ड 50,000 के पार पहुंचा, आरआईएल और बजाज के स्टॉक्स में तेजी, सभी सेक्टर्स हरे निशान पर कर रहे ट्रेंड।